shall study computer science of class 7th. The chapter we are studying is chapter number 3 and its name is Cutting Edge Technology. Students, last lecture में हम barcode reader, fingerprint reader, robot के बारे में और cellular communication के बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं. तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे satellite communication और global positioning system GPS. So students, इन दो technologies के बारे में आज हम तफसील से पढ़ेंगे. तो चलिए lecture की शुरुआत करते हैं. सैटेलाइट कम्युनिकेशन. सबसे पहले हम पढ़ते हैं सैटेलाइट क्या है. सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट. सैटेलाइट क्या एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व करता है. तो स्टूडेंट्स, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उसके गिर्द एक ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है जो कि मून है. तो उसे भी हम सैटेलाइट कहेंगे. वेयर मून इज अ अर्थ नेचुरल सैटेलाइट. तो जो चांद है जमीन का कुदरती सैटेलाइट है. तो इसी तरह कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि साइंटिस्ट के जरिए जमीन के ऑर्बिट में भेजे गए हैं और वो वहां पर रिवॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. तो उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहेंगे. द मैन मेड सैटेलाइट्स दैट ऑर्बिट द अर्थ आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. अब जो इंसान के भेजे गए सैटेलाइट्स हैं जमीन के रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहेंगे. स्टूडेंट्स, इन दिस इमेज यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स व्हिच इज परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस. Here you can now see different operations performed by this satellite because it is wireless. ये wireless connection होते हैं और ये बहुत ज्यादा height पर होते हैं और इसके अलावा जो इनके जरिए data transfer होता है वो communication की most advanced form है. On the earth we have one or more command stations. तो स्टूडेंट्स, अब ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इसका कनेक्शन हमने अर्थ के साथ कराना है. तो अर्थ के साथ करवाने के लिए हमें एक स्पेसिफिक कमांड स्टेशन बना लेते हैं जहाँ पर डिफरेंट जो इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो ऑपरेट कर रहे होते हैं इसके फंक्शंस को. तो कमांड स्टेशन का कनेक्शन आर्टिफिशियल सैटेलाइट के साथ क्रिएट करा लिया जाता है. तो अब वो जो कमांड स्टेशन है वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है. These stations are able to communicate with the satellites. तो ये जो स्टेशन हैं ये सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करते हैं और इसकी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करते हैं. A satellite usually has the following components. तो सैटेलाइट्स के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सैटेलाइट है जो कि डेटा ट्रांसफर करता है या कम्युनिकेट कर रहा है अर्थ के साथ. तो अर्थ पर ये कमांड स्टेशन हैं. तो स्टूडेंट्स, अब ये जो सैटेलाइट है इसने कमांड स्टेशन के साथ इंटरेक्ट करना है जो कि डिफरेंट सिग्नल्स की फॉर्म में होगा. तो अब उसने सिग्नल सेंड और रिसीव करना है तो उसकी ये फंक्शनैलिटी कैसे कंट्रोल की जाएगी उसके जरिए वो डिपेंड करता है इसके कंपोनेंट्स पे. तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जैसे कि कुछ फीडर्स टाइप हैं जिसे एंटीनास भी कह सकते हैं और इसके अलावा जो कि इसको रिवॉल्विंग में मदद देते हैं. और इसी तरह इसकी एक बॉडी है जिसमें पावर सोर्स होते हैं और कुछ और सेटिंग्स होती हैं. तो स्टूडेंट्स, इसके जो मेन फीचर्स हैं वो है कम्युनिकेशन एंटीनास जो कि इनके साथ कम्युनिकेट करने में इस्तेमाल होते हैं और पावर सोर्स है जिसकी मदद से इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है. और कंट्रोल सिस्टम है जिसका कनेक्शन कंट्रोल सिस्टम के जरिए इसको कमांड स्टेशन के साथ कनेक्ट करवाया जा सकता है. Many satellites carry cameras as a scientific sensors. तो students, जो scientists होते हैं वो different information हासिल करने के लिए इसके साथ cameras भी send कर देते हैं और जिसके जरिए different information हासिल की जा सकती है. They may collect information about earth, land, air and water. तो जमीन की सतह के बारे में या हवा के बारे में और समुद्री पानी के बारे में ये सारी information हासिल कर सकते हैं. और इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, जो galaxy है या सोलर सिस्टम है और जो यूनिवर्सल लेवल पे ये डेटा ट्रांसफर करके डेटा लेके कलेक्ट करके और ये जमीन तक ट्रांसफर करता है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. तो स्टूडेंट्स, पीछे हमने पढ़ा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में जिसमें डिफरेंट सैटेलाइट्स यूज होते हैं टू सेंड एंड रिसीव डेटा. तो जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का एक सिस्टम है. दिस इज अ कलेक्शन ऑफ 24 सैटेलाइट्स दैट ऑर्बिट द अर्थ जो कि जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं. तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि 3 सैटेलाइट दिखाए गए हैं ताकि आप उनकी
जो रोटेशन है उसको क्लियरली देख सकें कि किस तरह एक सैटेलाइट जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता है। तो इसी तरह जब ये 24 हो जाएंगे तो जमीन के किसी भी लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर एंड रिसीव कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन पिन पॉइंट एनी लोकेशन ऑन द प्लैनेट विद ग्रेट एक्यूरेसी। तो इस तरीके का में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है और गलती के इम्कान बहुत कम होते हैं। इट डज दिस बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द रिसीवर्स पोजीशन ऑन अर्थ एंड एटलीस्ट 3 सैटेलाइट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो स्टूडेंट्स, ये इनके काम करने का जो तरीकेकार है, ये सिग्नल जमीन की सतह पर सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं, और सिग्नल को आने जाने में जितना टाइम लगता है उस टाइम के जरिए डिफरेंट कैलकुलेशंस होती हैं और किसी भी पिन पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं। द GPS इज ऑन एंड प्रिपेयर्ड बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। अब जो US का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, इसके ऑनर्स हैं, GPS के ऑनर्स हैं, लेकिन उन्होंने इसको अवेलेबल कर दिया अराउंड द वर्ल्ड, और वर्ल्ड लेवल पे ये सब लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके ऑनर्स हैं वो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है। एडवांटेजेस ऑफ GPS। तो स्टूडेंट्स, जो GPS है, जमीन पर कोई भी जगह को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा जो व्हीकल्स हैं उनका ट्रैक फाइंड करने के लिए और उनकी लोकेशन फाइंड करने के लिए भी यूज होता है, और जो वेपन्स हैं उनके लोकेशन के लिए भी यूज होता है, और अगर हम किसी फॉरेस्ट में या किसी डेजर्ट में जाना चाहते हैं, सफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए GPS जो है हमारे लिए बहुत एडवांटेजेस क्रिएट करते हैं, और इसकी मदद से हमें अपनी लोकेशन का डायरेक्शन का एग्जैक्ट पता चल सकता है। तो इस तरीके से हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मदद से GPS जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है इसको कंट्रोल कर सकते हैं और डिफरेंट एडवांटेजेस हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज। डियर स्टूडेंट्स, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.